हाय फ्रेंड्स, मैं रितु नागपाल देखिए आपके लिए एक और जो है बैंड लेकर आई हूँ। अब आप ये देखिएगा, ये मैंने स्पेशली इंडिपेंडेंस डे के लिए बनाया है। इसे मैंने स्पेशली नाम दिया है इंडिपेंडेंस बैंड। जैसे फ्रेंडशिप बैंड आपने बहुत सारे सुने होंगे, फ्रेंडशिप बैंड बहुत बच्चे जो है बड़े जो है हाथों में लगा के घूमते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस स्वतंत्रता दिवस पर हम इस तरीके का बैंड बना के जो है इंडिपेंडेंस डे, आप ये देखेंगे ट्राई कलर है मेरे, जो तिरंगे का कलर होता है उसका कलर है, उसका जो है बैंड बना के अपने हाथों में पहने, ताकि हमें गर्व हो कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं। ये देखेंगे आप इस तरीके से, आप इसे आसानी से ऐसे पहन सकते हैं, देखेंगे ये देखिए, और इसे खींच के आप ऐसे बंद कर सकते हैं। अब जितना बड़ा जितना छोटा आपने बनाना हो आप उसे बना सकते हैं, ऐसे खोला और निकाल लिया। तो चलिए फिर देखते हैं कि किस तरीके से हम बनाएंगे इस तरीके का बैंड। हम अब देखिए, इसे बनाने के लिए मैंने जो है ये तीन कलर लिए हैं, जो हमारे तिरंगे के कलर होते हैं वो तीन कलर मैंने इसमें लिए हैं, देखेंगे। अब आपके पास अगर वूल बची है तो वूल से कीजिएगा, थ्रेड से कीजिएगा या सिल्क थ्रेड से कीजिएगा। मैं सिल्क थ्रेड से इस समय यहाँ पे कर रही हूँ। अब ये आपने लेना कितना है, तीनों कलर हमने इस तरीके से लेने हैं, देखेंगे आप तीनों कलर लिए हैं। और ये मैंने 84 इंचज़ लॉन्ग लिए हैं, तीनों कलर 84 इंचज़ लॉन्ग। अब इसे बनाएंगे किस तरीके से, अब आपने पहले जो है इसको इस तरीके से पूरा हाफ एंड हाफ करना है। ये देखिए ये है, इसे आपने इस तरीके से पकड़ना है, ये ऐसे सेंटर का हिस्सा ऐसे देख रहे हैं आप, ऐसे लिया। अब इतना नीचे मैंने थोड़ा सा नीचे पकड़ लिया, इसको मैं इस तरीके से घुमाऊंगी, ऐसे खोलूंगी, और यहाँ से आपने इसे इस तरीके से लेना है और ऐसे ऊपर करना है। अब ऊपर करने का तरीका भी देख लीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा ऊपर उस तरीके से करेंगे तो ये एक सीधा एक छोटा एक बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसे पकड़ा है, देख रहे हैं आप। ये देखिए ये हो गया आपका, ऐसे लूप तैयार हो गया। तो ये वाला हिस्सा आपका देख रहे हैं ऐसे ढीला है, ये देखिए। अब करना क्या है, इन दोनों को दोनों साइड पे ऐसे कीजिएगा। अब ये वाला हिस्सा आपका जो है, ये वाला हिस्सा लेफ्ट वाला हिल रहा है, तो पहले तो आप इस तरीके से इसमें रखिएगा, क्योंकि लेफ्ट हिल रहा है आपका, तो इसे लंबा करेंगे आप। अब ये जो राइट वाला हिस्सा है इसे ऐसे निकाल के इस तरीके से निकालेंगे इसमें से, और इस लेफ्ट को जो हिल रहा था उसे आप खींच देंगे, ये देखिए थोड़ा टाइट खींचेगा। फिर इस उंगली पे है आपका, ये उंगली लेंगे इसमें से ऐसे डालेंगे और इसको निकाल देंगे, और इस वाले को ऐसे टाइटली खींच देंगे। फिर अब इस वाली उंगली में है तो राइट वाली उंगली को यूज़ करेंगे, ऐसे लेंगे इसमें से निकालेंगे और ऐसे, ये देखिए ये बस इसको ऐसे पकड़ना है आपने, और टाइटली आपने इस तरीके से देखेंगे आप करते हुए जाना है। बहुत इजी, बहुत जल्दी बन जाता है, आप किसी के लिए भी इसे बना सकते हैं, ये देखेंगे आप। मैं स्पेशली अपना अपने इंडिपेंडेंस डे के लिए बना रही हूँ, ताकि हम लोग सब जो है पूरा परिवार या जो भी मेरे दोस्त है सब है, सब लोग पहने इसे अपने हाथों में। ये देखिए ये बनता हुआ जाएगा, जिस तरीके से ये है एग्जैक्टली ये बनता हुआ जाएगा। अब इसे फिलहाल तो हम बनाते हुए जाएंगे, इसे आपने अगर इसे छोटा या छोटे बच्चे के लिए बनाना है तो कम से कम 60 इंचज़ लीजिएगा, और उससे अगर छोटे के लिए बनाना होगा तो 50 इंचज़ लीजिएगा। इस तरीके से आपने इस इंचज़ में लेकर इसे बनाना है, ये देखिए अपने हाथ में इस तरीके से देख रही हूँ, और मेरे को जिसके लिए भी चाहिए मैं इस तरीके से, आप ये देखेंगे हाथ में देखूंगी, ये देखेंगे। अभी ये थोड़ा सा रह गया है, मैं दो बार और से करूँगी जस्ट, ये है ये देखिए, एक और एक दो। अब क्या करना है, ये वाला हिल रहा है तो इसको इसमें से ऐसे डालेंगे हम, ये जो है इसको लेंगे आप ऐसे, इसे निकाल लीजिएगा। अब जो ये है इसे भी हम इस तरीके से यहाँ से लेंगे या बैक से लेंगे, वो आप अपने हिसाब से इसे देखेंगे, और इसे खींच देंगे, ये देखिए
इसको भी खींचेंगे और इसे भी खींचेंगे। देखिएगा ये हो गया आपका बैंड तैयार। आप साइड के जो मैंने इस तरीके से कर रखा है ये आप किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे आपने इसे बांधने के लिए जितना भी पोर्शन लेना है ये आप अपना हिसाब से यहाँ पे जो है नाप लीजिएगा। तो मैं देखेंगे आप इतना पोर्शन इसे छोड़ रही हूँ, इतना पोर्शन कम से कम, क्योंकि किसी का हाथ बड़ा होता है किसी का छोटा होता है, उस तरीके से होता है। तो मैं यहाँ पर ये पोर्शन इतना छोड़ रही हूँ, ये काट दिया आपने। अब जो आपका यहाँ पे ये बचा ये इतना ही है, देखेंगे आप ये बचा, इसे हमने यहाँ पे इसमें से निकालना है। क्रोशिया लीजिएगा ये ऐसे, ये देखिए ये लिया, तीनों में से लेंगे, बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये लिया, ये तीनों लिए और इसमें से निकाल लिए ऐसे। निकालने के बाद आपने इसे ये ऐसे इसमें से निकालना है और खींच देना है। देख रहे हैं आप, ये आपका तैयार हो गया। अब अगर आपको ऐसे, अब इसे आप ऐसे भी टाई कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, लेकिन मैंने इस तरीके से रखा है ताकि मुझे खोलने में देखेंगे आप कोई परेशानी ना हो। देख रहे हैं आप ये खुलना है इस तरीके से और टाइट करना है तो आप इसे खींच देंगे। तो ये करने के लिए आपने क्या करना है ध्यान से देखिएगा, ये रखूंगी ऐसे इस तरीके से, ये रखा, यहाँ से आपने कोई भी कलर का धागा ले लिया जो आपके पास बचा हुआ है, ये लेंगे इसके सेंटर का हिस्सा, ये देखिए ये लिया, ये हमारा सेंटर का हिस्सा है, इसे ऐसे पकड़ा और इसको आपने इस तरीके से दो बार लपेट लिया। ये दो बार लपेटने के बाद यहाँ है ये लपेटने के बाद इन दो में से आपने इसे निकालना है यहाँ से ऐसे, ये देखिए ये निकला और इसको आपने इसमें से निकालना है ऐसे और दोनों को हमने खींच देना है। ये आपने इधर से भी खींचना है और इधर से भी खींचना है, ये थोड़ा खींच के देख लेगा ऐसे, और यहाँ पे इनको आपने देखना है ये प्रॉपरली होने चाहिए। ये देखिए ये आ गया आपका, ये देखिए ये आ गया। अब इसे मैं यहाँ पे बंद कर दूँगी, आपस में इस तरीके से आपने ऐसे ये एक और एक दो, बहुत ईजीएस्ट वे बता रही हूँ, और भी काफ़ी वेज है इस तरीके के बंद करने के, बट मैं ईजीएस्ट वे बता रही हूँ। और इसको आपने यहाँ पे काट दीजिएगा, ये देखिए ये काट दिया, अब ये निकल जाएगा इसमें से। इसको किस तरीके से करेंगे, आप ये लीजिएगा पहले दोनों पोर्शन ऐसे, ये वाला पोर्शन भी ऐसे प्रॉपर खींच के, ये लिया, अब ऐसे लिया इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा ये लिया, क्रोशिया लीजिएगा, ये डालेंगे और इन सारों को इसमें से ऐसे निकाल लेंगे। वो हाथ से मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि हाथ से प्रॉपरली वो निकल नहीं रहा है उसमें से, ये देखिए, और इससे आप ऊपर करते हुए जाइएगा, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए बन गई गांठ। इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमने ऐसे ही करना है, ऐसे घुमाऊंगी मैं इस तरीके से, ये डालूंगी और ये सारे इसमें से ऐसे निकालूंगी, पकड़ लेंगे आप, और इसको मैं ऊपर करते हुए जाऊंगी ऐसे। ऊपर इसलिए करना है क्योंकि यहीं पे हमने इसकी वो जो है गांठ बनानी है ताकि ये यहाँ से बाहर ना निकले। ये देखिए ये देखिएगा, अब इनको इवनली ऐसे पकड़ के आप काट लीजिएगा और आप चाहे तो इसे कोम से इस तरीके से खोलेंगे।
देखिए बन गया आपका इंडिपेंडेंस डे बैंड। देखिए कितना खूबसूरत सा बना है, देखिएगा। तो इस डे के लिए बना के अपने हाथों में लगा सकते हैं ताकि हमें अपने भारतीय होने का गर्व हो। तो चलिए फिर बनाइए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।